दोस्तों, ये दुर्गा पूजा का तीसरा और अंतिम वीडियो है। बहुत मजा आया दोस्तों मुझे यहाँ पर, और आप लोग भी यदि शुरू से देख रहे हैं तो आपको भी काफी मजा आया होगा। यदि आपने पहला दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो आप देखिए और मेरे साथ उस एहसास को पाइए, उस चीज को फील करिए जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ। तो बहुत मजा दोस्तों आया यहाँ पे, और यहाँ की जो दुर्गा पूजा के पंडाल थे अलग अलग थीम पे बने हुए थे, काफी अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए। ये देखिए, ये जो आप अभी पंडाल देख रहे हैं दुर्गा पूजा का, ये बना हुआ है प्रयाग। आप देखिए कि प्रयाग घाट के थीम पे बना है ये। दोस्तों, वाराणसी टूर में मैंने आपको दिखाया है गंगा आरती, जो वाराणसी की प्रसिद्ध गंगा आरती है, दशाश्वमेध घाट की है, 80 घाट की है, तो मैंने दिखाया। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, या आई बटन में मैं कोशिश करूंगा दे दूं, आप वहां पे जाके देख लीजिएगा। देखिए भगवान शिव को कितनी खूबसूरती से बनाया गया है, और ये देखिए गंगा को दिखाया गया है किस तरह, है ना मजेदार। आइए बागी लेके चले, आपको मजा आ रहा है ना? गजब पंडाल है यार, ये जो दुर्गा पूजा का पंडाल है भाई बेजोड़ है यार, हर जगह आप देखिए। वैसे तो कोलकाता साल भर शांत रहता है, लेकिन दुर्गा पूजा के समय ना एक अलग कोलकाता हमें देखने को मिलता है। भारी संख्या में लोग यहाँ पे आ रहे हैं, इस जो प्रोग्राम हो रहा है, देवी जी का प्रोग्राम हो रहा है, पंडाल लगे, भारी संख्या में लोग देख रहे हैं। और यहाँ छुट्टियाँ हो जाती हैं, 4 दिन जो है पूरी छुट्टी हो जाएगी, 4 से 6 दिन, और लोग खूब एंजॉय करते हैं इस त्यौहार को। तो बहुत धूमधाम से ये त्यौहार, ये जो दुर्गा जी का पूजा है, ये मनाया जाता है यहाँ पे। और सभी लोग जो है इस जो त्यौहार है देवी जी का, ठाकुर जी का जो त्यौहार है, उसको पूरे लोग खूब एंजॉय करते हैं, खूब मस्ती करते हैं, और खूब खाते पीते हैं, घूमते हैं। बैटरी वाली गाड़ी भी ये देखिए मिल रही है, तो थक जाइए तो ये भी गाड़ी ले लीजिए और पंडाल घूमते रहिए। कैसा लगा भाई पंडाल? अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, है ना। जाके लगा है शरीर में, पसीना तो अभी तक सूखा नहीं, सीधा पूछिए फिर हो जा रहा है, कोई बात नहीं, गर्मी आपके लिए बर्दाश्त करेंगे, दिखाएंगे आपको पूरा पंडाल कोलकाता का, जो दुर्गा पूजा का पंडाल चल रहा है सब दिखाएंगे आप। बस लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, ठीक है। ये तीसरा पंडाल देखिए, थिएटर सिटी का, दोस्तों नवरात्रि के अंतिम दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, और महिषासुर का जो आतंक था उसको खत्म किया। दोस्तों नवरात्रि अभी चल रही है, नवरात्रि यानी 9 रातों का समय होता है जिसमें माँ दुर्गा की पूजा होती है।
और इसी नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा का महिषासुर से युद्ध हुआ और नवरात्रि के अंतिम दिन महिषासुर का वध किया था माँ दुर्गा ने। ये देखिए अगले पंडाल पे हम लोग आ गए हैं। तो जितने पंडाल पे आप बढ़ेंगे ना, हर पंडाल आपको नई थीम देगा, नई चीजें आपको दिखेंगी, तो आप मतलब मन ही आपका नहीं भरेगा। जान लीजिए आप एक पंडाल से दूसरे पंडाल, दूसरे से तीसरे, आप घूमते रहेंगे, पता लगा पहले पंडाल में आपने देखा कुछ नई चीज, फिर आप आगे के पंडाल में बढ़े उससे भी बढ़िया चीज दिखी, तो आप मतलब जब तक आप वहां रहेंगे ना, लगेगा यार और पंडाल देख ले, और पंडाल देख ले। लेकिन है ना बहुत भीड़ है भाई, ये देखो देख रहे हैं, काफी प्रसिद्ध यहाँ पे है इसलिए भीड़ ज्यादा है। और मेरे से आप देखिए बहुत ज्यादा भीड़ है भाई। मेले में एक चीज ये है कि आपको टैक्सी भी अगर लेंगे तो पहले ही उतार देगा, आपको चलना ही पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए आप। और गाड़ियाँ जो है, जैसे आपका गाड़ी वाले भी काफ़ी दूर खड़े हो जाएंगे या तो लेके नहीं आएंगे, आपको पैदल ज़्यादा चलना पड़ेगा। तो ये चीज़ है, आप देख लीजिए बैक, ये देखिए आप पूरी भीड़ कितनी चल रही है ना, भीड़ बहुत ज़्यादा रहेगी इसका। अगर आप आ रहे हैं कोलकाता घूमने के लिए, दुर्गा पूजा देखने के लिए, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, गाड़ी उड़ी दूरी खड़ी हो जाएगी, आपको पैदल चलना पड़ेगा। आपने बादाम तला का देखा पंडाल, अब आइए दूसरा पंडाल दिखाते हैं, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी लोग की आप पूरी भीड़ आप देखो उसी पंडाल को देखने जा रहे हैं। भाई इस पंडाल को देखते हैं क्यों इतनी भीड़ भाई जा रही है, क्या खास है यहाँ पे, आइए दिखाते हैं आपको। ये देखिए 66 पल्ली पंडाल में हम लोग आ गए हैं दोस्तों। देखिए आप इस तरह का नजारा यहाँ का है, देख रहे हैं। ये देखिए भाई मसाले आदि दिख रहे हैं, है ना। ये थीम भी बना है, जैसे जो मसाले का व्यापार भारत से होता था, है ना, तो बस उसी पे, उसी थीम पे ये दिख रहा है पंडाल, आप देख रहे हैं, है ना। और आगे आप देख रहे हो जो है नक्शे भी भारत के दिखाई दे रहे हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे अभी महिषासुर की। महिषासुर जो दोस्तों, उसको क्या था, ब्रह्मा जी से वरदान मिल गया था कि उसको कोई भी न तो देवता मार सकते हैं और न तो कोई मानव उसको मार सकता है। तब जो है जो त्रिदेव हैं दुर्गा माँ को आवाहन करते हैं, दुर्गा माँ आती हैं और फिर जो है 9 दिन तक लड़ाई होती है, उसके बाद महिषासुर का वध होता है माँ दुर्गा के हाथों। ये देखिए नक्शा बना हुआ है। तो भाई ये देखिए पूरा नक्शा भारत का देख रहे हैं ये सामने आपके, और मसालों पे जो है पूरा आप देख पा रहे हैं कि मसालों के व्यापार से संबंधित चीजें, इस ये जो पंडाल है इसका थीम है। और हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा इतिहास की किताबों में कि किस तरह भारत से मसालों का व्यापार होता था, उससे भारत को ढेर सारे रुपए मिलते थे। ये आप देखें कितनी सुंदरता से भाई ये पंडाल बनाते हैं, आप देखिए कितना पैसा लगाते होंगे भाई, कितना पैसा खर्च होता होगा। ये देखिए देवी माँ की मूर्ति आपके सामने,
देख रहे हैं, देखिए डिजाइन देखिए आप, कितना समय लगता होगा इसे बनाने में। डिजाइन देखिए भाई, ये देखिए सामने से देवी माँ की मूर्ति। अब हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों अगले पंडाल पे। ये काली घाट में ये पंडाल बना हुआ है, दुर्गा पूजा का पंडाल। भाई सीन देखो आप। तो दोस्तों आज है सप्तमी, सजावट है, देखो आप पूरी बांस से बनाई गई है, देख रहे हैं। और मात्र ये 9 दिन रहेगा, उसके बाद इसे हटा दिया जाएगा। आज सप्तमी हो गई है, कल अष्टमी और नवमी दोनों साथ में पड़ रही है, उसके बाद 10वीं के दिन जो है ये पूजा समाप्त हो जाएगी। और जैसे कि मान्यता है, देवी जी अभी मायके आई हैं और 10वें दिन अपने ससुराल चली जाएंगी, उसके बाद फिर ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके बाद तो मात्र 9 दिन के लिए आप देखिए कि कितनी लोग मेहनत करते हैं और कितना जो है भव्य बनाए हैं, देख रहे हैं आप। तो ये श्रद्धा है ना, इतनी जो है हम लोगों में श्रद्धा है, विश्वास है कि आप सोचिए ये कोई मामूली काम नहीं है, ये एक दिन में तैयार होने वाली चीज नहीं है। आप देखिए कि इसको जो है बनाने के लिए बांस का उपयोग किया गया है, ये देखिए, देख रहे हैं ना। तो भाई इन सभी को जो बनाने में सहयोग कर रहे हैं उनको मैं सभी को दिल से बधाई देना चाहता हूँ कि काफी आप मेहनत से आपने इतना अच्छा निर्माण किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। सजावट देखिए आप, कितनी खूबसूरत सजावट किए हैं यहाँ पे दोस्तों, घरों को खूब सजावट किए हैं। अपना ऐसी मान्यता है यहाँ की कि ये जो नवरात्रि होती है, 9 दिन होता है, दुर्गा जी अपने मायके आती हैं और 10वें दिन जो है अपने ससुराल जाती हैं। तो जो 9 दिन आता है, जो 9 दिन देवी जी का समय है, 9 दिन अपने मायके में रहती हैं, उसी की जो है लोग खुशी मनाते हैं, फिर अपने घर को सजाते हैं और खुद जो है खुशियां मनाते हैं। दोस्तों कोलकाता की जो दुर्गा पूजा थी उसकी सीरीज समाप्त हुई, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।